सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज स्वतंत्रता दिवस है व आज ही के दिन सन 1947 में आज़ादी का बिगुल बजा था। आज ही के दिन सबने पहली बार स्वतंत्र होने की खुशियां मनाई थीं। आज भी इस दिन को सभी प्रसन्नता के साथ बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाते हैं। लेकिन विचार करने लायक है कि बाहर में तो हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने का जोर शोर से जश्न मनाते हैं, अंग्रेजी सरकार से मिली स्वतंत्रता का शंखनाद करते हैं, परंतु क्या कभी अंतर से हम ये विचार करते हैं कि मैं अपनी एक एक स्वतंत्र शक्ति का धारी भगवान आत्मा हूँ। मुझ में एक एक करके ऐसी अनंत स्वतंत्र शक्तियाँ प्रति समय उछलती रहती हैं। उन्हीं स्वतंत्र शक्तियों में से एक है प्रभुत्व शक्ति। प्रभु का अर्थ वास्तव में होता है महान। जो महान है, स्वतंत्र है, जो किसी के द्वारा खंडित नहीं हो सकता, ऐसा अखंड प्रतापवंत जिसकी ख्याति हर जगह फैली हुई है, वास्तव में वह प्रभु मैं हूं। ऐसा प्रभुत्व शक्ति संपन्न मैं प्रभु ही हूँ। मैं ही स्वतंत्र सत्ता वाला हूँ, मैं ही महिमाशाली हूँ। ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा अंतर में जागनी चाहिए। जब मैं किसी के द्वारा खंडित हो ही नहीं सकता, तो फिर मैं तो किसी के द्वारा परतंत्र हो ही नहीं सकता। मैं तो सदा स्वतंत्र सत्ता वाला हूँ, स्वतंत्र ही रहने वाला हूँ। अहो, मैं तो जीव द्रव्य गुण व पर्यायों का समूह हूँ। मेरी प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध के अनुसार परिणमन करने के लिए स्वतंत्र है। मेरी हर पर्याय को परिणमन के लिए पर की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत नहीं है। वास्तव में स्वतंत्र वही है जिसे पर द्रव्य की आवश्यकता ना हो। जिस जीव को पर द्रव्य की आवश्यकता होती है, पर की तरफ जिसकी दृष्टि होती है, वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है? इसीलिए प्रति समय में होने वाली मेरी अनंत पर्याय अपने आप में स्वतंत्र हैं। अनंत गुणों का धनी होने पर भी मेरा प्रत्येक गुण दूसरे गुण पर निर्भर नहीं है। मेरा प्रत्येक गुण अपने आप में स्वतंत्र है। उसे परिणमित होने के लिए दूसरे की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रत्येक गुण अपने आप में प्रभु है। ऐसे स्वतंत्र गुणों व स्वतंत्र पर्यायों वाला मैं स्वयं भी स्वतंत्र द्रव्य हूँ। मुझे परिणमित होने के लिए दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं। दूसरा द्रव्य मेरा परिणमन बदल सकता नहीं। दूसरा द्रव्य मेरे परिणमन में कुछ हेर फेर करने में समर्थ नहीं। ऐसी अनंत प्रभुता का धनी एक स्वतंत्र द्रव्य हूँ मैं। मैं प्रभुत्व शक्ति का धारी प्रभु हूँ, जिस पर द्रव्य का शासन चलता नहीं, जिसमें पर द्रव्य कुछ कर सकता नहीं। अरे, मैं तो सदा ही स्वतंत्रता से संपन्न ज्ञाता दृष्टा रूप आत्म द्रव्य हूँ। एक और शक्ति मुझ में विद्यमान है, मुझ में वह है विभुत्व शक्ति, जिसके कारण अनंत शक्तियां एक साथ एक दूसरे में व्याप्त होने पर भी पृथक पृथक होकर स्वतंत्र रूप से परिणमन करती हैं। कोई भी शक्ति किसी दूसरी शक्ति के कार्य में हेर फेर करती नहीं, कर सकती नहीं। ऐसा अनंत शक्तियों का धारी मैं जीव राजा, मैं प्रभु भगवान आत्मा सदा काल स्वतंत्र हूँ। मुझ पे कभी कोई शासन कर सकता नहीं, मुझे कभी कोई परतंत्र कर सकता नहीं। ऐसे अपने निज वैभव की, अपनी अनंत शक्तियों की सही पहचान होने पर ही वास्तविकता में, रियलिटी में स्वतंत्रता का बिगुल बजेगा और तभी है स्वतंत्रता पर्व मनाना सार्थक होगा।
आओ इस स्वतंत्रता दिवस पर हम भी अपने प्रभुत्व शक्ति संपन्न, विभुत शक्ति संपन्न और ऐसी अनंत स्वतंत्र शक्तियों से संपन्न, स्वतंत्र गुण, स्वतंत्र पर्यायों से युक्त अपने स्वतंत्र स्वरूप की पहचान करें और स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर अपने स्वतंत्र सिद्ध पद को प्राप्त करें। तभी वास्तव में इस पर्व को मनाना सार्थक होगा। ऐसे और विचारों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर करके धर्म प्रभावना में सहयोगी बनें।